Hi everyone, this is me Saeed Suhail and I am back again with another amazing and beautiful vlog. This time the vlog is on Durushahabad. It's a historical place where many famous and all-time great scholars, poets and artists were born. This is going to be a documentary vlog where we will discuss the history and gonna talk about the things that people rarely know about Durushahabad. So without wasting your any more time, let's get straight into the video. तो आज का जो व्लॉग है वो दुरुशाबाद पे है। इस जगह की एक अलग ही तवारीखी अहमियत है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दिस इज द मेन मार्केट ऑफ दुरुशाबाद। तो अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं ये है वो मशहूर और खूबसूरत खानकाए फैज़बाना ज़ियारत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है ज़ियारत शाह मोहम्मद आज़म साहेब जो कि खानकाए फैज़बाना से थोड़ी ही दूरी पे वाक़ा है। अब मैं ऐसे ही घूमते हुए तो आपको पूरा दुरुशाहबाद का व्यू नहीं दिखा सकता, तो मैंने डिसाइड किया मैं एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां से दुरुशाहबाद का पूरा व्यू इजीली देखने को मिल जाता है, और वो एक ही जगह है और वो जगह है लेसर टॉप। तो चलिए हम वहीं पे चलते हैं। Welcome to Durushahabad, the historical town, also known as historical township. This place is not only famous for its beauty, but is famous for its fertile soil and its intelligence. Like the famous and all-time great scholars, poets like Rasul Mir Shahbadi, Mahmud Shah Ghami, politicians like Syed Mir Qasim, and amazing artists like Muhyiddin Shah Sahab are born here. The John Keats of Kashmir was born at Durushahabad. Now the question is, who is the John Keats of Kashmir? So the answer is Rasul Mir Shahbadi. He was known as the John Keats of Kashmir. Yichu Rasul Mir Shahbad Dure, Temch Tromut Ashkuk Dukan, Yivu Ashko Chevu Ture Ture, Mechumure Lalvunna. Gachi Vesi Lal Chum Dure, Mechumure Lalvunna. लालस वनतई छु सवाल सालस अंतनई बली लालस वनतई छु सवाल सालस अंतनई बली लालस वनतई छु सवाल सालस अंतनई बली रिंद पोश माल गिंद ने द्राय लोलो गच्छी वेसिये लाल चुंदूरे मैं चुमुरे ललवुनार। तो जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कश्मीरी फोक सॉन्ग्स के बारे में, तो हम द लेजेंड मुहियुद्दीन शाह साहब को कैसे भूल सकते हैं जो कि पूरे शाहबाद की शान है। जितने भी कश्मीरी फोक सॉन्ग्स जो कि रिमेक हो रहे हैं, मतलब यम जन वारिया फेमस चुनकन कशीर मज लाइक सुचान बापत छु खून हारान अगरचे समखी जरूर हा वंजस प्लस दिल बरो दिल कर समंदर यम चो ऑरिजिनली गेमित मुहियुद्दीन शाह साहबन दिल बरो दिल कर समंदर अग्नेर मज मदानस मारो
یمو وچھ مے سوری سورے دلبرو سبن دلاور ادنیر مزم ودانت سچانی باپ چھپان مکانا اگر چھ سم کی ये सारे कश्मीरी सॉन्ग्स जो है वो मुहिद्दीन शाह साहब ने गाए हैं जो कि डूरू शाहबाद से ताल्लुक रखते हैं। अब अगर हम बात करें महमूद गामी साहब की तो वो एक आला दर्जे के सूफी शायर थे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपनी लिखाई के लिए और वो आशिक रसूल भी थे। उन्होंने काफ़ी सारे नाथ्स भी लिखे हैं जो सुनकर दिल को सुकून मिलता है। महमूद गामी साहब ऐसे रोजान अड़ वदरे यन वन महमूद आबाद नाव آو محمود گدا صدا بوزم مدن وارو گست بوزت پاسے خدا مر مندے مدن وارو کرسا میون نیا اندے مر مندے مدن وارو مہربان گست بمن یا محمد بوند ہے سر قدمان रसूल मीर साहब जिनकी बर्थ प्लेस मीर मैदान थी और महमूद गामी साहब जिनकी बर्थ प्लेस महमूद आबाद थी, इनके अलावा जो वहाँ पे कुछ शख्सियत रह चुके हैं उनमें से नाम जो बड़े बड़े हैं वो असद मीर साहब है, हमीदुल्ला शहबादी साहब और पीर मशकूर साहब भी डूरू में रह चुके हैं। One more interesting thing about Duru Shahbad is that one of the chief ministers of Jammu and Kashmir was from Duru Shahbad और उनका नाम सईद मीर कासिम था जो कि आरमपुरा से ताल्लुक रखते थे। उनकी बर्थ प्लेस आरमपुरा थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों को हार्डली पता है डूरू शाहबाद की हिस्ट्री के बारे में। मिसाल के तौर पर आपने खानकाई फैजपाना के बारे में सुना ही होगा, सुना कि आप वहाँ पे गए भी होंगे, मगर क्या आपको पता है कि खानकाई फैजपाना की कंस्ट्रक्शन किसने की है? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई मीर मोहम्मद हमदानी द सन ऑफ अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा डूरू शाहबाद में कुछ और भी श्राइन्स है लाइक शाह मोहम्मद आजम साहब, सईद जाफर मदनी साहब और ज़ियारत शाह असरार साहब। तो अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम रिलीजियस स्कॉलर्स के बारे में जो कि डूरू में पैदा और रह चुके हैं। तो उनमें से पहला नाम आता है गुलाम रसूल शाह साहब का जो कि मीर वाइज रह चुके हैं। एंड अनदर वन इज मुफ्ती गुलाम नबी शाह साहब हु वाज बॉर्न इन डूरू शाहबाद एंड वाज नोन फॉर हिज स्किल एट फिका अरबिक एंड पर्शियन ग्रामर। Now talking about the history of Duru Shahbad, it's not possible कि मैं एक छोटे से व्लॉग में सारी हिस्ट्री Duru Shahbad की कवर कर सकूं। फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूं जो आपको शायद ही पता होगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए।